नागपुर स्थित महाकाल का सभागृह में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सभा में अचानक से विवाद की स्थिति निर्माण हो गई। सूत्रों से मिली जानकारी के आधार पर यह विवाद नरेंद्र जिचकार और विकास ठाकरे के संबंध में उत्पन्न हुआ है। दर्शकों, नागपुर स्थित महाकाल का सभागृह में कांग्रेस की समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया था। वहाँ की कांग्रेस की सभा सम्पन्न होते ही काफी मात्रा में विवाद की स्थिति निर्माण हो गई और सभी अपने नेताओं के समर्थन में आंदोलन की तरह नारेबाजी कर रहे हैं। कांग्रेस में हुए इस विवाद के चलते काफी स्थिति गंभीर बन चुकी है। आप देख पा रहे हैं जिस प्रकार से काफी बड़ी भीड़ यहाँ मौजूद है। सभी नेताओं ने अभी तक अपना वक्तव्य यहाँ बोला है, वक्तव्य दिया है, सभी ने इस बात को डिनाय किया है। लेकिन जो स्थिति है, जो चित्र हम देख पा रहे हैं, कांग्रेस की समीक्षा सभा में पूरी तरह से विवाद की स्थिति उत्पन्न हो चुकी है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा आयोजित जिला निहाय सभा में विकास ठाकरे के भाषण के दौरान अचानक से पोडियम गिर जाने से विवाद की स्थिति निर्माण हो गई है, ऐसा मौजूद नेताओं का कहना है। लेकिन सूत्रों की माने तो यह विवाद नरेंद्र जिचकार और कांग्रेस शहर अध्यक्ष विधायक विकास ठाकरे के बीच के मतभेदों के कारण उत्पन्न हुआ है, ऐसी स्थिति प्रतीत होती है। बहरहाल कारण जो भी हो, मात्र कांग्रेस के जिला न्याय सभा में उत्पन्न हुए विवाद के कारण राज्य की सियासत में उफान आने की संभावना तेज हो रही है। आपको बता दें कि इस विवाद के बाद पूर्व मंत्री सुनील केदार और विपक्ष मंत्री विजय वडेट्टीवार ने सभा त्याग किया, जिसके बाद सभागृह के बाहर विकास ठाकरे समर्थकों ने नारेबाजी की। इसी मंजर में क्रियान्वित सभा के दौरान विधायक विकास ठाकरे ने सभा का त्याग किया। इस वक्त उन्होंने मीडिया के सवालों को नजरअंदाज करते हुए क्रियाशीलता से महाकाल का सभागृह का त्याग किया। वहीं कुछ देर बाद ग्रामीण विकास की सभा में विपक्ष मंत्री विजय वडेट्टीवार ने सभा में शिरकत की। लेकिन इस नकारात्मक स्थिति को सहजता से दिखाते हुए कांग्रेस नेताओं ने स्थिति को सामान्य बताया। उत्साह असल्यामुळे विकास भाऊ आगे बढ़ो, विकास भाऊ 10 वर्षापासून इथे काँग्रेसला तगवून आहे। 10 वर्ष काँग्रेसची कुठली कॉर्पोरेशन सत्ता नसताना, कुठल्याही राज्यामध्ये सत्ता नसताना सगळी आंदोलन सगळ्या गोष्टी ज्या केलेल्या आहे, आपला नेता खाली पडताना दिसतो आहे, तर लोकांनी त्याच्या संदर्भात नारे लावले, त्यांना उत्साह वाढवण्यासाठी काँग्रेसचा म्हणजे विरोधात काही नारे लागले नाही। विकास भाऊ जिंदाबाद हे काही विरोधातले नारे नाही आहे। असं आहे की विजय वडेट्टीवार त्या संदर्भात त्यांची भूमिका स्पष्ट केलेली आहे, ती भूमिका मी स्पष्ट करणं योग्य नाही आहे। मी मुख्य प्रवक्ता आहे, ते एलओपी आहेत, लीडर ऑफ अपोजिशन आहे, त्यांनी स्वतः भूमिका स्पष्ट केल्यानंतर मी त्याच्यावर काही बोलणं योग्य होणार नाही। धन्यवाद। की हॉल की कॅपॅसिटी 500-600 लोगों की और आज पूरे विभाग का विभाग था, बहुत कार्यकर्ता आए थे। कांग्रेस के नागपुर शहर की मीटिंग खत्म हो चुकी थी। कांग्रेस के अध्यक्ष जो पोडियम से बात कर रहे थे, वो पोडियम फिसल कर नीचे गिर रहा था, अध्यक्ष भी नीचे गिर रहे थे। हॉल कचाकच भरा था, तो अध्यक्ष को बचाने के लिए 8-10 लोग एक साथ उठ गए, तो वहाँ पर थोड़ा सा स्टैम्पेड हो गया और स्टैम्पेड होने की वजह से गार्ड्स ने चेयर ऊपर कर ली और फिर वो स्टैम्पेड को हटाने के लिए थोड़ा सा टाइम लग गया। तो इसमें कोई आर्ग्यूमेंट नहीं हुआ, किसी ने कुछ कहा नहीं। आपने देखा है कि सारी संगठन की बातें नागपुर शहर को लेकर अध्यक्ष जी ने रखी थी, तो ऐसा कुछ हुआ नहीं। आपके पास सारे विजुअल्स है, वो पोडियम गिर रहा था, इसके पहले भी एक हमारे दूसरे कार्यकर्ता है, वो भाषण दे रहे थे, तब भी वो पोडियम से गिर रहे थे, तब भी उनको संभाला गया, लेकिन वो साइड में गिर रहे थे, ये सामने गिर रहे थे, इसलिए पूरे कार्यकर्ता जो है एकदम उठ के खड़े हो गए। मंच पर भी कितने लोग बैठे आपने देखा होगा, सारे नेता इकट्ठा सब आ गए पूरे प्रदेश विभाग के, तो सब एक साथ खड़े होने की वजह से थोड़ा सा स्टैम्पेड हो गया, बाकी कुछ नहीं। त्यांच्या समोर लोक आलेले आहे, बोलून राहिलेले आहे, बोलण्याचा प्रयत्न करून राहिलेले आहे। अरे यार, तुम्ही आले नाही, ते बोलवलं नव्हतं, तुम्ही लाईव्ह टेलिकास्ट तुम्ही करून घेतलं गुपचूप, ते थोडीच काही तुम्हाला बोलवलं होतं की तुम्ही या लाईव्ह टेलिकास्ट करा म्हणून। असा मतभेद असले तरी ते सॉल्व केले ना अध्यक्षांनी, काही नाही, काहीच वाद नाही, काही वाद। अरे नाही, पक्ष मजबूत करण्याच्या दृष्टीने ब्लॉक काँग्रेस, वार्ड काँग्रेस आणि ग्रामीण काँग्रेस या सर्वांबद्दल चर्चा आहे। दुसरी हे आंबेडकर भांबेडकर काही नाही, एवढे लोक आलेले आहे, बसायला जागा नाही, तो वाद आहे। काय झालं नेमकं हा प्रश्न विचारत असताना तुम्ही त्या मीटिंगला मीडियाचे सगळे सहकारी आपण तिथे उपस्थित होता, काही घडलेलं नाही आहे, आढावा बैठक ज्या प्रकारे पत्रकाद्वारे ठरलेली होती त्या प्रकारे झाली, शहर अध्यक्षांनी केलेल्या कामाचा आढावा मांडला, प्रदेश अध्यक्षांनी त्याच्यावर सूचना केल्या, येणाऱ्या काळामध्ये जे योजना राबवायची आहेत, कुठल्या प्रकारे काँग्रेस कमिटीला आणखी मजबूत करायचे आहे त्याचे निर्देश दिले, आणि काँग्रेस कमिटीची आढावा बैठक शहरची संपन्न झाली असं रेकॉर्डिंग करत
जात असताना आपण मीडियाचे आमचे मित्र समोर उभे होते आणि हे रेकॉर्डिंग तुमच्याकडे झालेलीच आहे. तर योग्य प्रकारे पूर्ण बैठक पार पडलेली आहे. कुठल्याच प्रकारच्या शहर अशा प्रकारची कुठलीच घटना झालेली नाही, अशा प्रकारची कुठलीही घटना झालेली नाही आहे. तिथे नाकारत नाही आहोत आम्ही तुम्हाला झालेले मिसअंडरस्टँडिंग. याचा खुलासा निश्चितच व्हिडिओ मध्ये दिसणारी जी गोष्ट आहे त्याच्या नेमकं कारण तुम्ही जसे मीडियाचे आमचे सहकारी सांगून राहिलेले आहेत तसे सांगू नका. पद्धत नाही आहो जे घडलं आहे ते तुमच्याकडे रेकॉर्डिंग मध्ये आहे. तर निश्चितच जर तिथे जागा कमी असली आणि तिथे काहीतरी घडलं असेल तर त्याला वादच झाला म्हणून आमच्या काँग्रेसमध्ये झाला तो वाद. आणि मोदी लोकांनी काही वाद जरी केले गडकरी साहेबांनी मोदी एवढा त्रास देऊन दिला ते तुम्ही कधीच दाखवत नाही. आमच्याकडे आपसात थोडीशी धक्काबुक्की झाली. ही हेडलाईन ताई तुम्हाला कुठून तरी मेसेज आलेली आहे काय अशा प्रकारची चालवा म्हणून वडेट्टीवार साहेब आले त्यांचा सत्कार झाला आणि तुम्ही म्हणता अशा प्रकारचं काहीतरी खोटं बघता. कॅमेरा पर्सन अजित कुवर के साथ मनीष ठेंबरे, BCN न्यूज नागपूर.